नमस्कार, स्वागत शास्त्रीय काल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया, जिसमें लेकर आए हैं हम आपके बीच एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी आज की हमारी बेहद स्पेशल रिपोर्ट, हमारे आज के खास प्रोग्राम सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल से जुड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, भोजपुरी की दुनिया में, भोजपुरी सितारों की दुनिया में दिनेश लाल यादव एक ऐसा नाम है जो कि हर किसी के जुबा पर निरहुआ के नाम से मशहूर है। असल में हम बात कर रहे हैं उस निरहुआ की जो 40 साल की उम्र में भोजपुरी सितारों की दुनिया में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज एक सफलता का ऐसा मुकाम तय कर चुके हैं कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता है। इतना ही नहीं, अब तो वो फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने के लिए भी तैयार होकर आगे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल जगत में, यानी कि पॉलिटिक्स की दुनिया में निरहुआ को कितना प्यार मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारा ये शो, जिसमें हम निरहुआ की जिस जिंदगी से जुड़े एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद आपको भी मालूम ना हो। ये तो आपको भी मालूम है, निरहुआ ने एक्ट्रेस पाखी हेगड़े के साथ शादी रचा ली, जिसके बाद उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। अपने बच्चों के साथ प्यार और लगाव का खूबसूरत यादें हमेशा शेयर करने वाले निरहुआ की जिंदगी कितनी ज्यादा रंगीन है, उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा अनोखी है, और कैसे है असल जिंदगी में निरहुआ, कैसे है उनकी जिंदगी असल में अपने पत्नी पाखी के साथ। पाखी आखिर इन दिनों क्या कर रही है, कैसा है उनका व्यवहार, कैसी है उनकी शादीशुदा जिंदगी, रियल लाइफ में हमेशा से ही कैसी जिंदगी गुजारते आए हैं निरहुआ रियल लाइफ में। जी हाँ, जिन्होंने पर्दे पर तो तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया, आम्रपाली दुबे के साथ जिनका नाम हमेशा जुड़ा रहा, उस निरहुआ की जिंदगी की असल में हीरोइन है पाखी हेगड़े। तो आइए आज एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े इस बेहद दिलचस्प शो की तरफ। हम बात कर रहे हैं निरहुआ की। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो इन दिनों चुनाव प्रसार में काफी ज्यादा व्यस्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने हमेशा से अपनी पहचान भोजपुरी सिनेमा जगत में काफी ज्यादा अच्छे से बना कर रखी थी, लेकिन इन दिनों निरहुआ काफी ज्यादा चर्चा में है किसी और ही चीज को लेकर, पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की। भाजपा का साथ चुनकर जहां एक तरफ वो अखिलेश यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एक लड़ाई के लिए है तैयार, वहीं दूसरी तरफ उन्हें तो का भी सामना करना पड़ा जो भाजपा को जीतते नहीं देखना चाहता। जी हां, खबर हाल ही में आई आजमगढ़ से, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि काफी ज्यादा रोड शो के लिए तैयार नजर आए, जहां भीड़ में परेशान हुए निरहुआ, लेकिन वहां भारी भीड़ में परेशान होकर भी पुलिस के सहारे किसी तरह मुश्किलों से निकल तो गए। वो रोड शो के दौरान काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका और लड़ाइयां भी हुई। खबरें ये तक आई कि निरहुआ जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पर्चा दाखिला करने से रोड शो के दौरान नजर आए थे, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 40 किलोमीटर के सफर में उन्हें 10 घंटे से अधिक समय लग गया। पथराव और काफी ज्यादा लड़ाई भी हुए, मारपीट की भी खबरें आ गई। गांव में विरोध का सीओसी सियासी जो रोड़ा छोड़ दे तो जगह जगह भोजपुरी स्टार के चहेते की जो भीड़ ढूंढ ली, तो लोग युवाएं महिला सब देखते रह गए। बता दे हम आपको, इसी के साथ साथ निरहुआ के इस फैसले पर उनकी पत्नी पाखी हेगड़े खड़ी रही हमेशा, जो कि खुद भी एक एक्ट्रेस रही है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर निरहुआ ने हमेशा से लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। निरहुआ जो कि फिल्मी गायक होने के साथ अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता भी है, जिन्होंने भोजपुरी कलाकारों में साल 2015 से लेकर अब तक काफी ज्यादा बड़ी सफलताएं हासिल की है 5 बॉक्स ऑफिस में जारी करने के बाद, जो कि काफी ज्यादा फेमस रहे और टीवी की रियलिटी शो में भी नजर आए। वहीं आपको बता दें, उन्होंने हमेशा से ही अपनी
शानदार तरीके से 40 साल की निरहुआ जो कि अपनी पत्नी पाकी हेगड़ के साथ अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजार रहे हैं। गाजीपुर के जन्मे 2 फरवरी साल 1980 में जन्म लेने वाले निरहुआ के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन तूल्हे राजा, साली के फोर्ट, लाली, हाथी जैसी तमाम फिल्में की है, जिनके बहन और भाइयों में विजय लाल यादव, प्रवेश लाल यादव है, जो फिल्मों से ही जुड़े हुए हैं। गानों के मामले में उन्होंने हम है पिया जी के से लेकर भैया के सारे घरवाली अंजा और होली के सुपरहिट तमाम ऐसे गाने उन्होंने साल 2017 में भी दिए थे, जिसकी हमेशा बात होती है। फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो निरहुआ रिक्शा वाला वो फिल्म एक ऐसी है जिसके बाद निरहुआ की जो चर्चा हुई इस तरह हुई कि बिहार झारखंड में हर तरह से उन्हीं के नाम पूछते देखा। निरहुआ हिंदुस्तानी से लेकर बॉर्डर, पटना से पाकिस्तान जैसी बड़ी फिल्में निरहुआ ने की है, जो कि अपनी पत्नी पाकी के सपोर्ट से काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई। पाकी के बारे में शायद आपको ये बात मालूम होना हो, लेकिन वो भी एक्ट्रेस रह चुकी है। उन्होंने काम निरहुआ हिंदुस्तानी में किया, उन्होंने काम अपने पति के साथ भी किया है, इसलिए अपने पति के सपोर्ट में वो हमेशा खड़ी रही, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रहे हैं निरहुआ तो उन्हें अपनी पत्नी का साथ जरूर मिलेगा। तो देखा आपने, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया निरहुआ के बारे में। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, निरहुआ के नाम से फेमस एक ऐसे सितारे जिनके बीच आज ना सिर्फ चर्चा उनकी जिंदगी की होती है, आज पॉलिटिक्स से जुड़ने को लेकर है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में। निरहुआ जो कि बीजेपी से अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, देखना होगा दिलचस्प किस तरह से इस लड़ाई में निरहुआ को बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश देता है प्यार। देखना होगा आने वाले दिनों में कैसे निरहुआ पॉलिटिक्स जगत में, इस जंग में कैसे अपनी जीत हासिल करते हैं और भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत बनते हैं, यह सब तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको बताया निरहुआ की पत्नी पाकी के बारे में, निरहुआ की जिंदगी में मचे फिलहाल के लिए उथल पुथल के बारे में, कैसे निरहुआ को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी आपने ये जाना, आपने किस तरह से निरहुआ को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और साथ साथ में उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी पाकी उन्हें सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन ऐसे में उम्मीदें काफी ज्यादा है उनके प्रशंसकों को कि वो जिस तरह सितारों की दुनिया, भोजपुरी की दुनिया को आगे लेकर बढ़ते आए हैं, इसी तरह वो देश की उन्नति और प्रगति में एक बड़ा हाथ बनेंगे, ताकत बनेंगे वो सरकार का। इसके लिए आप सभी को निरहुआ के सपोर्ट में खड़े रहना पड़ेगा। तो आप अपनी कमेंट में हमें जरूर अपनी राय पेश करें, बताएं क्या आप निरहुआ के साथ हैं, क्या वाकई में आप निरहुआ का सपोर्ट करते हैं, आप क्या उनके इस फैसले पर बिल्कुल खुश हैं, अपने राय हमें भेजे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द इस शो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, ऐसे ही भोजपुरी की दुनिया से लेकर तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के साथ। नमस्कार।